हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स वंडा आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बेस्ड पजल देखने वाले हैं सो so, देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए और कैसे इस क्वेश्चन के बेसिक्स क्या हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं मतलब एम इस पर बनते हैं उन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सो so, आज के क्वेश्चन मैंने लिए हैं प्रैक्टिस मॉक की साइड से ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है जिसमें आपके कुछ मॉक आपको लाइव फ्री दिए गए हैं आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा सो स्टार्ट करते हैं ओके सो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिया गया है आई थिंक आपको ये विजिबल होगा uh, इसका टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है लेकिन आई थिंक विजिबल तो रहेगा है ना uh, यहां पर हम देखते हैं डायरेक्शन को नंबर इन द फॉर्म ऑफ फोर इंटू फोर मैट्रिक्स आर गिवेन सो चार बाय चार ये इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगी ना ठीक है फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ओके ये कॉलम होते हैं ये रो होती है ये कॉलम होते हैं ऊपर वाले और ये आपकी रो होती हैं ठीक ये रो वन रो टू रो थ्री रो फोर ओके ठीक <coughs> यहां पे कह रहे हैं फर्स्ट रो इज रिप्रेजेंटेड एज हैश हैविंग फर्स्ट फोर कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ इलेवन स्टार्टिंग फ्रॉम इलेवन देखो जैसे कि यहाँ पर आपको मल्टीपल इलेवन के लेने और स्टार्टिंग भी इलेवन से करनी है कई बार क्या होता है आपको 11 के मल्टीपल लेने होते हैं लेकिन स्टार्टिंग वो बोलते हैं आप 11 की जगह 33, 44 या आप 55 या फिर 77 से करिए ठीक है तो आप लोग वहां से स्टार्ट करते हैं तो हैश जो है यहाँ पर आपका हैश आ जाएगा और इसमें क्या है आपको 11 के कंजिक्यूटिव मल्टीपल लेने हैं 11 से तो क्या इतना आ जाएगा इलेवन ट्वेंटी टू एंड फोर्टी ओके फिर कह रहे हैं सेकेंड रो इज रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज सेकेंड रो क्या है वो परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रही है और इसमें फोर कंसेक्यूटिव मल्टीपल है नाइन के जो कि नाइन से स्टार्ट होंगे तो कितना आएगा आपका नाइन एटीन ट्वेंटी सेवन और थर्टी सिक्स ठीक है थर्ड रो इज रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज सॉरी एट द रेट तो यहां पर आपकी थर्ड रो जो है वो एट द रेट की तरह आएगी हैविंग फर्स्ट फोर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ ट्वेंटी तो ट्वेंटी के होंगे ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी और एट्टी ओके फोर्थ रो इज रिप्रेजेंटेड एज एंड तो फोर्थ रो जो है वो एंड की तरह रिप्रेजेंट होगी हैविंग फोर कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ सेवनटीन स्टार्टिंग फ्रॉम सेवनटीन इसमें क्या है चार कंजिक्यूटिव मल्टीपल सेवनटीन से स्टार्ट होंगे और सेवनटीन मतलब सेवनटीन से स्टार्ट होंगे और सेवनटीन के ही मल्टीपल में चलेगी तो पहला क्या हो जाएगा आपका सेवनटीन नेक्स्ट हो जाएगा थर्टी फोर फिर हो जाएगा आपका फिफ्टी वन और फिर हो जाएगा सिक्सटी एट ठीक तो ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी अब मेन है इसके जो रूल्स दिए हैं वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द कॉलम आर रिप्रेजेंटेड एज ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली तो जो जो आपके कॉलम्स हैं उनको आप लगातार ए बी सी डी की तरह दिखा दोगे देयर आर फोर सिग्नल्स यहां पर फोर सिग्नल्स होंगे डब्ल्यू डब्ल्यू डबल एक्स डबल वाई डबल सेट सिग्नल विल ग्लो आफ्टर रिसीविंग अ सिग्नल ऑफ सर्टन फ्रिक्वेंसी बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन एज फॉलोस यहाँ पर जो हर सिग्नल है वो ग्लो करेगा कब जब वो रिसीव करेगा सिग्नल कुछ सर्टेन फ्रिक्वेंसी से और वो फ्रिक्वेंसी जो है वो कैसे बनेगी वो बेस्ड है इन कंडीशन पे ठीक कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। If there are two prime numbers, अगर यहाँ पर आपके दो प्राइम नंबर है in the string, string मतलब आपके नंबर से एक सीरीज टाइप की बनेगी ठीक है तो जैसे कि मान लीजिए इसमें वन टू थ्री फोर जैसे कि यहाँ पर ट्वेंटी टू है यहाँ पर फोर्टी टू है यहाँ पर अट्ठारह है यहाँ पे सत्रह है ठीक है तो इस टाइप की एक सीरीज दी जाएगी एक स्टिरिंग दी जाएगी आपको तो इसमें इसके ऊपर जो इन्होंने कंडीशंस रखी है वो ये है कि इफ दे आर टू प्राइम नंबर अगर यहां पर आपके दो प्राइम नंबर होते हैं देखो ये तो मैंने ऐसी रैंडम सीरीज लिख दी है ठीक सीरीज आपको आगे मिलेंगी तो बस आपको ये समझना है कि इन्हीं पर बेस्ड ये कंडीशन दी गई हैं तो पहली कंडीशन ये है कि अगर इसमें दो प्राइम नंबर होते हैं स्टेरिंग में देन फ्रिक्वेंसी जो है वो कैसे निकलेगी स्ट्रिंग की विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेन्स डिजिट ऑफ रिमेनिंग टू नंबर ठीक जैसे कि मान लीजिए आपके चार नंबर हैं स्टेरिंग में तो उसमें दो प्राइम नंबर है ठीक है तो जब भी आपके दो प्राइम नंबर होंगे तो उस स्टेरिंग की फ्रिक्वेंसी या फिर उस स्टेरिंग का जो रिजल्ट आपको निकालना है वो कैसे निकालोगे जो बाकी के दो बचेंगे प्राइम नंबर के अलावा जो बाकी के दो बचेंगे जो बचेंगे उसके जो टेंस डिजिट होंगे उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है ठीक टेंस डिजिट क्या होता है ये वंस होता है ठीक है और ये टेंस होता है ठीक तो इसको क्या करना है द टेंस डिजिट ऑफ द रिमेनिंग टू इज मल्टीप्लीकेशन मान लो जैसे कि ये दो नंबर प्राइम नंबर है मानने को बोल दी हूं खाली ठीक है या फिर नाइनटीन कर लो अब तो प्राइम हो गए ना है ना ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है तो ये जो दोनों बचेंगे ना इसकी टेंथ डिजिट टेंस डिजिट कौन सी है आपकी फोर एंड टू ये वंस है ये टेंथ है ये हंड्रेड होती है फिर टेन थाउजेंड इस तरीके से चलता है ना आपको हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड तो इस तरीके से आप लोग टेंथ वाला यानी कि ये जो टू और जो फोर है इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर टू या एट तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा ठीक इस तरीके से यहाँ पे करना है अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट रूल हो गया सेकंड क्या है इफ देयर आर थ्री इवन नंबर अगर इसमें आपके तीन इवन नंबर होते हैं चार नंबर में से तीन इवन नंबर होते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेरिंग विल बी द एड ये एड एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं है ए डबल डी होगा एड ऑफ ऑल थ्री इवन नंबर तो आपको क्या करना है अगर मान लो इस पूरी स्टेरिंग में या फिर इस पूरी सीरीज में तीन इवन नंबर होते हैं तो आप उन तीनों इवन नंबर को क्या करोगे प्लस करोगे बहुत ध्यान दीजिएगा कब यहां पे ये लोग नंबर की बात कर रहे हैं कब ये लोग डिजिट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि जब भी ये लोग डिजिट्स की बात करेंगे तो आपको जो डिजिट है उनको आपस में प्लस करना होगा नंबर्स की बात करेंगे तो पूरा पूरा नंबर को प्लस करना होगा ठीक है तो इस चीज पर आप काफी ध्यान देंगे थर्ड कह रहे हैं इफ देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर इन द स्टेरिंग अगर यहां पर खाली एक प्राइम नंबर है स्टेरिंग में देन फ्रिक्वेंसी विल बी द एडिशन ऑफ द रिमेनिंग थ्री नंबर क्या करना है अगर मान लो खाली एक प्राइम नंबर है तो आपको उसको छोड़कर बाकी तीन नंबर को एड कर देना है आपस में इफ देयर आर ओनली टू इवन नंबर अगर खाली दो इवन नंबर है तो आपको क्या करना है फ्रिक्वेंसी को निकालने के लिए विल बी द एडिशन ऑफ ऑल द नंबर अगर दो इवन नंबर है तो आप सारे ही नंबर्स को प्लस कर दोगे ठीक आई होप आपको ये चार कंडीशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी आगे वो देखते हैं नोट में क्या दिया है इन्होंने नोट दिया है इफ नन ऑफ द गिवन कंडीशन फॉलो देन फ्रीक्वेंसी विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड एंड द सेकेंड लास्ट नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर सीरीज अगर मान लो कोई भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन कर देना है सेकेंड और सेकेंड लास्ट सीरीज का कैसे अकॉर्डिंग टू नंबर सीरीज जैसे कि मान लो बारह पंद्रह सत्रह अट्ठारह ऐसे करके लिखा हुआ है ठीक तो अब इसे मान लो कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है इनमें से ठीक है कोई भी कंडीशन इनमें से फॉलो नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे सेकेंड नंबर अब सेकेंड नंबर कैसे होना चाहिए कि ये आपका नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग हो ठीक है जो आपकी नंबर सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग हो और उसके अकॉर्डिंग आपका सेकेंड वाला यानी कि पंद्रह और सेकेंड लास्ट यानी कि सत्रह इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है ठीक अगर मान लो ये कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे और फिर देखेंगे कि आपका सेकेंड और सेकंड लास्ट कौन सा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इफ ओनली स्टिरिंग इधर एन एन और एमएम इज गिविन ओनली वन स्टिरिंग इज टेकिंग एज इनपुट ठीक है अगर मान लो खाली एक गिविन है एनएन और एमएम में से मतलब जैसे दो स्टेरिंग यहाँ पे बता रहे हैं कि एनएन होगी और एक एमएम होगी अगर खाली एक गिविन होगी तो बस आपको एक ही स्टेरिंग को एज ए इनपुट लेना है ठीक मतलब उसी पर ऑपरेशन होगा आगे देखते हैं थर्ड कह रहे हैं इफ द फाइनल फ्रिक्वेंसी इज लेस देन 30 अगर आपकी फाइनल फ्रिक्वेंसी 30 से लेस देन है तो डब्लू डब्ल्यू विल ग्लो ठीक है आपका डबल डब्ल्यू जो है वो ग्लो करेगा 30 से 50 है तो एक्स एक्स ग्लो करेगा 50 से 70 है तो वाई वाई यू नहीं होगा ये वाई वाई ग्लो करेगा एंड मोर देन सेवेंटी है तो जेड जेड ग्लो करेगा ठीक फोर्थ नंबर पे कह रहे हैं इफ बोथ कंडीशन थर्ड एंड फोर्थ फॉलो देन ओनली कंडीशन थर्ड इज फॉलो ठीक ओके okay. यहां पर यह कह रहे हैं अगर मान लो आपकी थर्ड और फोर्थ दोनों कंडीशन लग रही हैं जैसे कि थर्ड और फोर्थ ठीक है उसमें एक प्राइम नंबर भी है दो इवन नंबर भी है दोनों ही कंडीशन लग रही हैं तो आप खाली थर्ड वाली फॉलो करेंगे तो आप फोर्थ फॉलो नहीं करके थर्ड फॉलो कर लोगे ठीक है अगर दोनों कंडीशन हो रही है तो आप थर्ड के अकॉर्डिंग ऑपरेशन करोगे अगर आपकी फर्स्ट और फोर्थ यानी कि यहाँ पर दो प्राइम नंबर हो दो इवन नंबर भी हो ये दोनों फॉलो कर रही हैं तो यहां पर आप फर्स्ट को फॉलो करोगे यानी कि आप जो रिजल्ट निकालोगे फर्स्ट के अकॉर्डिंग निकालोगे फोर्थ वाले को फॉलो नहीं करोगे ठीक एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है जैसे कि मान लो एन, एन जो है वो ये दे रखा है स्टेरिंग ठीक है और एमएम एम ये दे रखा है ठीक इसको अगर आप आ, यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपलीफाई करके दिखा देती हूँ जैसे कि परसेंटेज बी दे रखा है तो परसेंटेज यहाँ है बी यहाँ पर है कितना आएगा अठारह ठीक एट द रेट डी एट द रेट डी का मतलब क्या है यहाँ पर एटी एंड ए एंड ए का मतलब क्या है यहाँ पे सत्रह और एट द रेट डी एट द रेट डी का मतलब यहाँ पे क्या है सॉरी हैश सी हैश सी का मतलब क्या है यहाँ पे ठीक है 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 तो तो की value न, न की जो है, वो क्या है कि 18, 80, 17 और 33. अब देखो इसमें कौन कौन सी condition लग रही एक ये 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 नहीं नहीं भी खाली एक प्राइम नंबर है एंड देयर आर ओनली टू ईन नंबर और दो ईवन नंबर है अब देखो यहाँ पर आपकी दो कंडीशन फॉलो हो रही है कौन सी फॉलो हो रही है थर्ड भी फॉलो हो रही है फोर्थ भी फॉलो हो रही है थर्ड और फोर्थ दोनों फॉलो हो रही है तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि अगर थर्ड और फोर्थ दोनों फॉलो होंगी तो खाली थर्ड वाला आप ऑपरेशन में लेकर आओगे तो हम खाली थर्ड से आंसर निकालेंगे कि विल बी एडिशन रिमेनिंग थ्री नंबर नंबर की आप प्राइम को हटा दो और इन तीनों को आप प्लस कर दो तो इन तीन को प्लस करोगे तो कितना आएगा एक सौ इकतीस तो देखो वही दिखाया है सो दिस इज सेटिस्फाइंग कंडीशन थर्ड एंड एन इज वन थर्टी वन आंसर ठीक सेम ऐसे इन्होंने एम mm एम को करा है एम mm एम का ये दे रखा है ठीक है एट द रेट बी एंडेज सी एट द रेट ए तो इसमें इन्होंने क्या करा है इसको सिंप्लीफाई करा तो 22 चालीस 68 27 आया तो इसमें आपकी कोई दो कंडीशन फॉलो हो रही होंगी देखते हैं कौन सी है यहाँ पर आप देखोगे दो प्राइम नंबर है क्या नहीं ये तो नहीं है थ्री इवन नंबर हाँ देखो तीन इवन नंबर है एंड uh, दूसरी बात वन प्राइम नंबर ये भी नहीं है थ्री इवन नंबर है और ओनली टू ईवन नंबर ये भी अच्छा इसमें खाली एक ही कंडीशन फॉलो हो रही है सेकेंड वाली तो आप सेकेंड के अकॉर्डिंग आंसर निकाल दोगे इसमें तो आंसर आ जाएगा आपका वन थर्टी तो इसमें क्या था कि अगर तीन ईवन नंबर है तो स्टेरिंग बी द ऑल एड ऑफ ऑल थ्री नंबर तो आप तीनों इवन नंबर को प्लस कर दोगे तो यहां पर ट्वेंटी टू प्लस फोर्टी प्लस सिक्सटी एट हो जाएगा तो वन थर्टी आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहां पर आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं ठीक अब यहाँ पे कह रहे हैं द वैल्यूज ऑफ एन एन एंड एमएम आर एडेड द फाइनल फ्रिक्वेंसी अगर आप एन एन और एमएम को एड कर दोगे तो फाइनल फ्रिक्वेंसी टू सिक्सटी वन आ जाएगी ठीक है पहले आपको एन एन और एमएम को अलग अलग सॉल्व करना है एड करके टू सिक्सटी वन आ जाएगा फाइनल फ्रिक्वेंसी यहां पर देखेंगे कंसिडर द सिग्नल एन एन दिस और एमएम दिस फॉर ऑल द क्वेश्चन मतलब आगे जो आपके क्वेश्चन दिए हैं उनके लिए आपको इसको कंसिडर करना है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड ए एंड ए पर क्या आएगा आपका सत्रह है, हैश ए हैश ए पर आएगा ग्यारह परसेंटेज डी परसेंटेज डी पर आएगा थर्टी सिक्स एट द रेट सी एट द रेट सी पर आएगा आपका साठ ओके एम एम की देखते हैं तो एंड सी एंड सी पर आएगा आपका फिफ्टी वन एट द रेट डी एट द रेट डी पर आएगा आपका एट्टी परसेंटेज ए परसेंटेज ए पर आएगा आपका नाइन हैश डी हैश डी पर आएगा 44 ठीक है तो ये आपका यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इफ ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एम इज टेकिन एज इनपुट अगर आपका एमएम mm जो है वो टेकिन मतलब लिया जाए इनपुट की तरह देन विच ऑफ फॉलोइंग वैल्यू शुड बी सप्रेक्टेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एम सो एज द ग्लो सिग्नल वाई वाई यहां पे ये यह कह रहे हैं कौन सी वैल्यू जो है उसे माइनस कर दी जाए कि वाई वाई आपका ग्लो करने लगे तो यहाँ पर रूल्स देखते हैं कौन कौन से लगेंगे इस पे तो पहला रूल है टू प्राइम नंबर दो प्राइम नंबर है क्या नहीं दो तो प्राइम नंबर नहीं है दूसरा थ्री इवन नंबर तो थ्री इवन नंबर है ये भी नहीं है वन प्राइम नंबर वन प्राइम नंबर है क्या इनके बीच में नहीं एक भी प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज फिफ्टी एंड नाइन दोनों प्राइम नंबर नहीं है और है देन गिवन है इफ ओनली टू ईवन नंबर तो हां दो ईवन नंबर है तो यहां पर ये जो फोर्थ वाली कंडीशन है ये लगेगी इफ देर आर ओनली टू ईवन नंबर देन फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्टेरिंग विल बी द एडिशन ऑफ ऑल द नंबर तो इसमें सारे ही नंबर को हमें क्या करना है एड कर देना है ठीक तो इसमें आप एड कर दोगे सारे नंबर को तो कितना हो जाएगा नौ दस चार चौदह पांच चार नौ दस और आठ अट्ठारह वन एट्टी फोर तो वाई वाई को ग्लो कराने के लिए हमें क्या चाहिए वाई वाई जो है वो तब ग्लो करेगा जब पचास से सत्तर के बीच में नंबर आएगा तो पचास से सत्तर के बीच में नंबर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखो पचास से सत्तर यानी कि इक्यावन से सिक्सटी नाइन के बीच के जो नंबर है अगर ये आएंगे तब हमारा जो वाई है वो ग्लो करेगा तो हमें फिफ्टी वन से सिक्सटी नाइन के बीच में नंबर लेकर आना है ठीक तो हम क्या करेंगे इसमें से वन एट्टी फोर में से क्या माइनस करेंगे सिक्सटी नाइन माइनस करेंगे यस तो इसमें से हम फिफ्टी वन में से सिक्सटी नाइन को माइनस कर देंगे तो सिक्सटी नाइन को यहां पर माइनस करोगे आप ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका एक सौ पंद्रह तो एक सौ पंद्रह आएगा आंसर क्या होगा यहां पे फोर वन वन फाइव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं इफ ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ एनन इज टेकन एज इनपुट अगर यहां पर एनन को इनपुट की तरह लिया जाए देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज शुड बी एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनन सो एज द ग्लो सिग्नल एक्स एक्स ठीक तो पहले इसको हम लोग देखते हैं इसमें कौन से रूल लगेंगे तो पहला रूल देखते हैं यहां पर पहला रूल देखते हैं यहाँ पे टू प्राइम नंबर तो क्या इसमें दो प्राइम नंबर है हाँ सत्रह और ग्यारह दो प्राइम नंबर है और दूसरा इसमें एक कंडीशन और लग रही है टू इवन नंबर वाली तो जब फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों कंडीशन लगेंगी तो हमें इसे फॉलो कौन सी करनी है फर्स्ट वाली यानी कि फर्स्ट वाली से आंसर निकालना है टू प्राइम नंबर होंगे तो मल्टीप्लीकेशन करना है टेंस डिजिट रिमेनिंग टू नंबर का ठीक है तो यहाँ पे रिमेनिंग यानी कि दोनों प्राइम को हटा दो रिमेनिंग कितने हैं थर्टी सिक्स एंड सिक्सटी तो इसका टेंथ डिजिट कौन सा होगा थ्री एंड सिक्स तो सिक्स और थ्री को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा एटीन एक्सेक्स को ग्लो कराने के लिए हमें कितना चाहिए देखो एक्सेक्स को ग्लो कराने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सेक्स जो है वो तीस से पचास के बीच में नंबर आएगा तब ग्लो करेगा तो तीस से पचास का मतलब यानी कि इकतीस से फोर्टी नाइन के बीच का हमें नंबर चाहिए तो अट्ठारह में हम कितना एड कर दें कि आपका यहाँ पर क्या इकतीस से फोर्टी नाइन के बीच का नंबर आ जाए तो हम यहाँ पे मिनिमम लेते हैं तो यहां पर थर्टी वन में से आपको मिनिमम तेरह एड करना पड़ेगा तब यहाँ पर थर्टी वन बन जाएगा और आपका एक्सेक्स जो है वो ग्लो कर जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर टू ठीक नेक्स्ट देखते हैं इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑफ बोथ और इनपुट देन द फॉलोइंग सिग्नल विल ग्लो तो यहां पर दोनों को लेना है दोनों को लेने के बाद यहाँ पर आपको एनएन और एमएम दोनों को लोगे फिर ऐड कर दोगे फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो कौन सा सिग्नल ग्लो करेगा ये बताना है so, में आपकी कौन कौन सी कंडीशन लग रही है फर्स्ट में आपकी टू प्राइम नंबर है येस yes, और फोर्थ वाली दोनों लग रही है ना एन एन में कौन सी लग रही है फर्स्ट वाली भी और फोर्थ वाली भी तो हमें जब दोनों कंडीशन लगेंगी तो खाली एक ही को फॉलो करना है किसको फर्स्ट वाली को तो उसमें क्या करना है थ्री और सिक्स थ्री इंटू सिक्स मल्टीप्लाई करना है अट्ठारह आ गया एम एम में कौन सी कंडीशन लग रही है कि दो इवन नंबर है यानी कि लास्ट वाली कंडीशन लग रही है लास्ट वाली कंडीशन में क्या है कि टू ओनली इवन नंबर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेरिंग विल बी द एडेड ऐड ऑल द नंबर्स तो इसमें सारे नंबर को ऐड कर देना है तो अभी हमने पीछे ऐड कर रहा था कितना आया था आपका 89 10 8 18 184 तो 184 में आप 18 को और ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉरी 202 ठीक है तो 202 जो है उसमें कौन सा ग्लो करेगा देखो अ मोर देन 70 देन ZZ विल ग्लो तो यहाँ पर कौन सा ग्लो करेगा ZZ ऑप्शन नंबर 4 चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे अब कमेंट सेक्शन में दीजिए अगर खाली एमएम को आप इनपुट लोगे तो कौन सा सिग्नल जो है वो ग्लो करेगा एंड फाइनल फ्रिक्वेंसी बतानी है बोथ द सिग्नल तो दोनों की फाइनल फ्रिक्वेंसी क्या आई थी इसकी कितनी थी सिक्स इंटू थ्री इंटू सिक्स इजिकल टू एटीन और इसका कितना आया था आपका पीछे देख लो यहां पर था दो सौ दो है ना तो दो सौ दो इसको ले लो सॉरी ये फोर है ठीक है 202 नहीं था आई थिंक ये था अच्छा 202 तो ये माइनस करने के बाद है 184 आ रहा है हमारा तो 184 आ रहा है टोटल तो 18 में 184 एट्टी प्लस कर लो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 202 तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 202 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले और यहां जाकर आप लोग प्ले में अदर वीडियोज को भी वॉच कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग